नमस्कार, मेरा नाम है मनजिंदर सिंह। स्वागत है आपका सुरेंद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको विंडोज 10 के बारे में बताया जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है विंडोज 10 क्या है और विंडोज 10 में दिखने वाली स्क्रीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विंडोज 10 की डेफिनेशन से। तो विंडोज 10 को 29 जुलाई 2015 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट होने के कारण इसे एमएस विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 भी कहा जाता है। तो विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सिस्टम को ऑपरेट करने वाला, मतलब चलाने वाला एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि विंडोज 10 में जो दिखाई देती है उस स्क्रीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है डेस्कटॉप, मतलब स्क्रीन। आप जो ये स्क्रीन देख रहे हैं पूरी की पूरी, इसको विंडोज में डेस्कटॉप कहा जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप मतलब स्क्रीन, जो पूरी स्क्रीन है इसे डेस्कटॉप कह सकते हैं आप। और इस स्क्रीन पर आप अलग अलग तरह के पिक्चर्स, अलग अलग तरह के वॉलपेपर्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको दूसरा जो पार्ट है वो मिल जाएगा। तो दूसरा पार्ट क्या होता है, वो होते हैं आइकन्स, जो ये आपके सामने अभी विजिबल हैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो आइकन्स होते हैं। जो हमारी स्क्रीन पर छोटी छोटी ग्राफिकल पिक्चर्स दिख रही हैं, इमेजेस दिख रही हैं, उनको आइकन्स कहा जाता है। ये आइकन्स किसी ना किसी प्रोग्राम को, किसी ने किसी फाइल को, किसी ने किसी फोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कमांड का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने इसमें कुछ हुक्म दे रखे हैं कि जब इस पर क्लिक किया जाए तो आगे ये चीज ओपन हो, इस पर क्लिक किया जाए तो आगे कुछ ना कुछ और ओपन हो। जैसे मैं इस पीसी पर डबल क्लिक करूं तो देखिए आगे ये वाली स्क्रीन शो हो गई। तो इसमें हुक्म दे रखा था पहले से कि इस पर क्लिक करने से ये वाली चीज ओपन होगी। ऐसे ही मैं रिसाइकल बिन पर अगर डबल क्लिक करूं तो आगे रिसाइकल बिन जो है वो हमारा जो शो कर जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि आइकन्स किसी न किसी कमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम उस कमांड पर डबल क्लिक करते हैं तो आगे कुछ ना कुछ ओपन होगा। तो दो मेन आइकन्स जो हैं वो होते हैं, एक तो दिस पीसी, दूसरा रिसाइकल बिन। ये दोनों ही मेन आइकन्स होते हैं। ये वाला आइकन जो है दिस पीसी, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे टोटल जो कंप्यूटर में सेव डाटा होता है उसको। जैसे मैंने अगर मूवी सेव कर रखी है, या किसी तरह के सॉन्ग सेव कर रखे हैं, या किसी तरह की और वीडियो, कुछ फोटोज कुछ सेव कर रखा है, तो वो हमें दिस पीसी आइकन में मिल जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आगे बहुत सारी आगे ड्राइव्स मिल जाएंगी, बहुत सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे जिसमें हम अपना अलग अलग तरह का डाटा रखा हो सकता है हमारा। तो दूसरा है हमारा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में जो होता है वो होता है कि हमारे जो भी डाटा हमने डिलीट किया हुआ है, ठीक है, जो भी हमने टेम्परेरी डिलीट किया हुआ है, परमानेंट नहीं, सिर्फ टेम्परेरी, मतलब कि मैंने कुछ चीज डिलीट कर दी वो इसमें चली जाएगी। जैसे मैंने एक फोल्डर यहाँ पे डिलीट कर रखा है, डेस्कटॉप स्क्रीन पर पहले था ये, ठीक है, उसको मैंने डिलीट कर दिया तो ये रिसाइकल बिन में चला गया। अब जब इसे अगर मैं रिस्टोर कर दूं यहां से तो ये वापस से यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट्स आपको जरूर क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है टास्क बार। ठीक है, टास्क बार होता है ये वाला, जो हमारी स्क्रीन पे ये ब्लैक वाली पट्टी जो लास्ट में दिख रही है, जिस पे मैं अभी कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये वाली पूरी की पूरी पट्टी जो है इसे टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बार, एक ऐसा एरिया जो किसी न किसी टास्क को शो करेगा। मतलब क्या है कि जैसे मैं दिस पीसी पर डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे दिस पीसी का आइकन मुझे शो करने लग गया। अगर मैं रिसाइकल बिन पर डबल क्लिक करूं तो इसी में ही एक और जो है रिसाइकल बिन का खुल गया आइकन। ठीक है, तो मैं अगर जैसे नोटपैड ओपन करूं, यहाँ पे विंडो बटन दबाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे NO, तो नोटपैड सामने आ गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा और नोटपैड का जो आइकन है वो यहाँ पे हमें शो करने लग जाएगा। तो टास्क बार एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हमें, जिस ऐप पर हम काम कर रहे हैं, जिस ऐप पर हम वर्किंग कर रहे हैं, उस ऐप का आइकन हमें यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, शो कर जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स आपको जरूर क्लियर हो गए होंगे कि पहला होता है डेस्कटॉप, दूसरा आइकन, तीसरा टास्क बार।
ठीक है। टास्क बार जो होता है वो स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम एज में होता है। इसके जो लेफ्ट साइड में स्टार्ट मेन्यू होता है और राइट साइड में टाइम इंडिकेटर और नोटिफिकेशन बार होता है, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होता है इस स्क्रीन का वो होता है डायलॉग बॉक्स, ठीक है। डायलॉग बॉक्स क्या चीज होती है हम ये देखेंगे कि जैसे मैं एक इस चीज को समझाने के लिए मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके फोल्डर, अब मैंने एक नया फोल्डर बना लिया। अब इसमें डायलॉग बॉक्स का क्या सीन है, तो मैं इस फोल्डर को अब डिलीट कर दूंगा। मैंने इस कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर को हुक्म दे दिया या मैंने अपने कंप्यूटर को कमांड दे दी कि इस फोल्डर को डिलीट कर दिया जाए, लेकिन इसने डिलीट नहीं किया। इसने क्या किया है, इसने एक मुझे बॉक्स दे दिया जिसमें यस और नो की ऑप्शन दिख रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसमें डायलॉग बॉक्स का क्या सीन है, ये जो बॉक्स हमें दिख रहा है यही डायलॉग बॉक्स है, तो इसकी पहचान क्या होगी ये भी बता देते हैं। तो इसकी पहचान है कि इसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन नहीं होता और इसमें हमें कुछ ना कुछ कमांड या कुछ परमिशंस जो हैं हमसे मांगी जाती है। जैसे मैं अभी दिस पीसी को ओपन करूं तो इसमें ये मैक्सिमाइज का बटन होगा, ये वाला मिनिमाइज का बटन होगा, लेकिन इसमें देखिए इसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन नहीं है, क्लोज बटन है सिर्फ, इसमें क्लोज बटन है लेकिन इसमें हमारा जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन नहीं है। तो ये इसकी पहचान है कि डायलॉग बॉक्स की क्या पहचान होती है कि इसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन नहीं शो होता, और दूसरी पहचान होती है कि ये हमसे परमिशन मांगता है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, आसान भाषा में समझाऊं, तो क्या मतलब होता है डायलॉग बॉक्स का, कि जब हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ हुक्म देते हैं, कुछ कमांड देते हैं, तो कंप्यूटर हमसे कुछ परमिशंस और कुछ ऑप्शंस मांगता है कि ये चीज करनी है या नहीं करनी है, या करनी है तो कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ऐसी कुछ परमिशंस मांगता है। तो वो एक बॉक्स में शो होगी जिसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकता, सिर्फ क्लोज किया जा सकता है या फिर उनकी ऑप्शंस को ऑप्शंस का आंसर दिया जा सकता है। जैसे मैं इस पे यस क्लिक कर दूं तो यहाँ पे रिसाइकल बिन में ये फोल्डर जो है मूव हो जाएगा, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट होता है स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू क्या होता है कि ये वाला, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टास्क बार के लेफ्ट साइड पे हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है। जब हम इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो जो ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, इसे स्टार्ट मेन्यू कहा जाता है। स्टार्ट मेन्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हम कंप्यूटर की कोई भी सेटिंग, कोई भी हमारा प्रोग्राम, कोई भी तरह की और फाइल जो है वो सर्च की जा सकती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं पी, मैंने पी एंटर किया तो यहाँ पे जो भी पी नाम का ऐप है, जो पी नाम की फाइल्स हैं, वो मुझे विजिबल हो गई, वो मुझे शो कर गई हैं, ठीक है। मुझे अगर एप्स चाहिए तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, पेंट चाहिए तो यहाँ से खोल सकता हूँ, अगर सेटिंग्स खोलनी है प्रिंटर की तो यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ, किसी तरह की फाइल जो मैंने सेव कर रखी है वो ओपन करनी है तो ये वाली ओपन यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट मेन्यू एक ऐसी जगह होता है जिसमें से हम कंप्यूटर में कोई भी पड़ी हुई सेटिंग, कोई भी पड़ा हुआ डाटा जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट होता है हमारी इस विंडो स्क्रीन का वो होता है टाइम इंडिकेटर। टाइम इंडिकेटर मतलब के टाइम को इंडिकेट करने वाला। अब यहाँ पे स्क्रीन में यहाँ पे टाइम इंडिकेट हो रहा है तो इसे टाइम इंडिकेटर कहते हैं, जो हमारे टास्क बार के राइट साइड में होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें जो कैलेंडर भी शो करता है, हमें टाइम भी जो शो कर देता है, ठीक है। तो इसे टाइम इंडिकेटर कहा जाता है। ये होते हैं हमारी विंडो स्क्रीन के पार्ट्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि जो हम आपके लिए नई नई वीडियोस जो हैं वो लेके आते रहें, ठीक है। तो आपका भी इसमें जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा और हमारा भी, इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, हम भी आपके लिए कुछ नया नया वर्क जरूर करते रहेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स जो हमसे सीखना चाहते हैं, जो हमारे नियर बाय रहते हैं, जैसे हमारे लोकल एरिया में रहते हैं, तो वो प्लीज हमसे कांटेक्ट जरूर करें और ऑफलाइन स्टडीज के लिए हमसे जरूर इंक्वायरी लें। और उम्मीद है आपको हम बहुत कुछ और प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।